आगरा के फतेहाबाद रोड स्थित होटल क्लार्क शिवराज में आगरा रेडीमेड गारमेंट्स संगठन की ओर से शुरू हुए आगरा रेडीमेड गारमेंट्स फेयर के पहले दिन का शुभारंभ आचार्य ब्रजेश भारद्वाज ने खाटू श्याम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। पहले दिन 4 फ्लोर तक लगे मेले में 45 नए ब्रांड शामिल हुए। पूरे मेले के दौरान आयोजन समिति के 200 करोड़ के लक्ष्य रखा गया है, जिसमें पहले दिन 70 करोड़ के ऑर्डर बुक किए गए। उद्घाटनकर्ता आचार्य ब्रजेश भारद्वाज ने कहा कि कुछ अच्छे परिणाम की आशा के साथ विभिन्न राज्यों व प्रांतों से आए व्यापारियों व मैन्युफैक्चरर्स का उद्देश्य है कि उनके मध्य प्रेस सौहार्द का भी कायम रहे। आज ऑनलाइन खरीदी को देखते हुए युवाओं से खरीदारी न करें, बल्कि बाजार जाएं और खरीदारी के साथ व्यापारी के घर में भी खुशी लाएं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुकेश अग्रवाल और अनुराग अग्रवाल ने संयुक्त रूप से कहा कि पहले दिन की ग्रोथ लगभग 15% की ग्रोथ मिलने से व्यापारियों में उत्साह है। अगले दिन 25% ग्रोथ होने का उम्मीद है। यहां आ रहे रिटेल के दुकानदारों को होम सेलर्स के कलेक्शन व फैब्रिक खासा पसंद आ रहे हैं। मेरा नाम संजीव कुमार अग्रवाल, आगरा रेडीमेड गारमेंट संगठन से अध्यक्ष हूँ। जी, आज पहला दिन है। हाँ, आज हमारा पहला दिन है और बहुत अच्छा जा रहा है, बाबा श्याम की कृपा से। आज हमारे पास काफ़ी अच्छी एंट्रियाँ हैं। आज हमारे पास जो ग्राहक आया है वो यहाँ पे तकरीबन फिरोजाबाद, मथुरा, बुलंदशहर और झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा के ग्राहक हमारे पास आ चुके हैं। कानपुर और लखनऊ के भी काफ़ी ग्राहकों ने यहाँ एंट्री ली है। जिन्होंने स्टॉलें लगाई हैं वो किस तरीके से अपने संतुष्टि पा पा रहे हैं? नहीं, जो लोग स्टॉल लगा रहे हैं वो लोग जो काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी बेस पर जुड़े हुए हैं, इस संस्था से इस वजह से जुड़े हुए हैं कि उनको यहाँ काम मिलता है और सम्मान भी मिलता है। काम के साथ साथ उन लोगों का उनको सम्मान भी मिलता है। वो अपने आप को यहाँ आकर गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आगरा रेडीमेड गारमेंट संगठन जो है, मतलब विजिटर व्यापारी के साथ साथ एग्जीबिटर जो मैन्युफैक्चर आते हैं उनका भी पूरा ध्यान रखता है, उनके लिए हर व्यवस्था मुहैया कराता है, उनको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आगरा रेडीमेड गारमेंट संगठन नहीं होने देता है। जो हमारे मैन्युफैक्चर भाई मुंबई या कलकत्ता या दिल्ली से पधारे हैं उन सभी का ध्यान रखता है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।